राइट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हो 12 डिवाइस के अंदर आप जो है चार्जिंग अलर्ट कैसे लगा सकते हो। चार्जिंग अलर्ट आप लगा सकते हो इजीली अपने फोन के अंदर। जब भी आप चार्जर को डिसकनेक्ट करेंगे तब आपको एक अलर्ट सुनाई देगा, तो आप उस अलर्ट को इजिली लगा सकते हो। हालांकि इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। और चार्जर के अलावा अगर आपको हेडफोन अनप्लग इन करते हो तब भी ये अलर्ट सुनाई देता है। तो मैं इसके टोटल सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा और दोनों को मैं बताऊंगा कैसे आप इनेबल करेंगे अपने फोन के अंदर और आप अपने फोन में लगा सकते हैं आसानी से चार्जिंग अलर्ट और हेडफोन अलर्ट। उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल सेंटर को नीचे करना, आपको इस तरह सेंटर फेस मिलेगा। हालांकि गाइस अगर आपको प्रॉपर सारी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं मिलती तो आपको इस पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। और अगर ये इस तरह से रहती, मैं मान लो यहाँ पर एक माइनस करता हूँ और इसको भी माइनस कर लेता हूँ, तो इस तरह से अगर आपको मिलती है एप्लीकेशन इसमें कम रहती है और इस नीचे वाले में ज्यादा है, तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करके आप सबको यहाँ पर प्लस करके लगा सकते हो। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन थीप्ड अलर्ट का। देखो ये ऑन है हमारे फोन के अंदर, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा, इसके मेन सेटिंग्स पर आ जाऊंगा। थीप्ड अलर्ट में आप क्या करेंगे, इसको मैं ऑफ करूंगा। यहाँ पर फिंगर सेंसर की मदद से हम इसको ऑफ कर सकते हैं, अलर्ट ऑफ हो चुका है। अब अगर इस अलर्ट को ऑन करना है सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे, अलर्ट ऑन हो जाएगा। अगर ईयरफोन अनप्लगइन वाला आप ऑन करना चाहते हो तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये भी ऑन हो जाता है। और चार्जिंग डिस्कनेक्टेड वाला है ये भी इनेबल हो जाता है। जब आप चार्जिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं तब ये अलर्ट सुनाई देता रहेगा जब तक आप अपने फोन को अनलॉक्ड नहीं करते। देख सकते हो स्टॉप द अलर्ट बाय अनलॉकिंग द फोन। तो जब तक अपने फोन को अनलॉक नहीं करोगे तब तक ये अलर्ट चार्जिंग वाला सुनाई देगा। और यही अलर्ट भी सेम मिलेगा आपको हेडफोन वाले में। देख सकते हो स्टॉप द अलर्ट बाय अनलॉकिंग द फोन। जब आप हेडफोन को अनप्लग इन करते हैं तब भी अलर्ट सुनाई देता है। तो जब इसको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करेंगे फोन या फिर कैसे भी अनलॉक करेंगे तो आपका जो अलर्ट है वो बंद हो जाएगा। आई होप गाइस आप समझोगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फिर कोई कंफ्यूजन होती है इसकी रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।